नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से वक्त हो चला है कि हम आपको बताएं कि प्रदेश की राजनीति में पिछले 24 घंटे में किस तरह की उथल पुथल मची है, और इन 24 घंटों के हवाले से हम आपको ये भी बता देंगे कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीतिक हलचल रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। छब्बीस अगस्त यानी कि बुधवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि ये सत्र एक दिन का होगा या फिर दो दिन का, ये बुधवार को होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगा। बुधवार से विधानसभा का मानसून सत्र, कितने दिन चलेगा विधानसभा का सेशन, बिजनेस अफेयर्स कमेटी की बैठक में तय होगी सत्र की अवधि। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब बुधवार से सेशन की शुरुआत भी हो जाएगी, जिसमें कोरोना से बचाव का खास ध्यान रखा जाएगा। हालांकि अभी ये नहीं पता कि सेशन कितने दिन का होगा। जानकारी के मुताबिक 26 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे बीएसई की बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि मानसून सत्र एक दिन का होगा या फिर दो दिन का। सत्र की अवधि पर कोरोना का संकट, कोरोना काल के बीच मानसून सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर नहीं बनी सहमति। मानसून सेशन में इस बार कोरोना की वजह से देरी जरूर हुई, लेकिन उसके बाद विधायकों से विचार विमर्श करने के बाद कोरोना काल के बीच सेशन बुलाने का फैसला लिया गया। ये सेशन तीन दिन तक चलने वाला था, लेकिन अभी सेशन कितने दिन चलेगा ये बुधवार को साफ हो जाएगा। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सेशन चलाने को लेकर विधायकों के साथ राय शुमारी की गई, लेकिन ज्यादा विधायक इसके पक्ष में नहीं थे, जिनका मानना था कि पूरे दिन वर्चुअल वे में जुड़े रहना संभव नहीं, जिसके बाद सत्र बुलाने के फैसले पर मुहर लगी। मानसून सेशन के लिए कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव जरूरी, कोरोना के संक्रमित लोगों की सदन में नो एंट्री, विधानसभा में कोरोना से बचाव का खास ध्यान। दरअसल ये पहले ही साफ दिशा निर्देश थे कि विधानसभा में उन्हीं विधायकों या फिर कर्मचारियों को अनुमति दी जाएगी जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होगी, और जब जांच हुई तो मुख्यमंत्री और स्पीकर समेत कई नेता और कर्मचारियों को कोरोना मिला, और इसी को देखते हुए सत्र की अवधि पर कोरोना की मार भी पड़ सकती है। यानी कि अब तीन दिन से घटकर सत्र दो दिन का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मानसून सेशन सिर्फ एक ही दिन का हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर विधानसभा के मानसून सत्र से पहले स्पीकर और सीएम समेत हरियाणा के 8 विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि ये 8 विधायक अब सेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। मानसून सेशन से पहले कोरोना का कहर, कोरोना की चपेट में मंत्री और विधायक, कई विधायकों को भी हुआ कोरोना। कोरोना काल के बीच बुलाए गए विधानसभा के मानसून सत्र में कुछ विधायक हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल सीएम और स्पीकर समेत 8 विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से वो सदन में नहीं पहुंच पाएंगे। बिना सीएम चलेगा मानसून सत्र, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी संक्रमित। दरअसल ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के मुखिया विधानसभा में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी कोरोना से संक्रमित हैं, जिसकी वजह से वो भी सदन में नहीं रहेंगे। स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा सदन की कार्रवाई चलाएंगे।
चलिए अभी एक बार फिर से देख लीजिए कि पूरे हरियाणा में कौन कौन से विधायक कोरोना से संक्रमित हैं। अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं लक्ष्मण नापा भी कोरोना संक्रमित हैं, जो रतिया से विधायक हैं। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से विधायक, वो भी कोरोना संक्रमित हैं। महिंद्री से विधायक राजकुमार कश्यप भी कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी कोरोना पॉजिटिव हैं। पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा भी कोरोना पॉजिटिव हैं। दरअसल विधानसभा में एंट्री से पहले सभी नेताओं और कर्मचारियों की कोरोना टेस्टिंग अनिवार्य की गई है, जिसके तहत सभी विधायकों और कर्मचारियों की जांच हुई। जिस भी नेता या विधायक को कोरोना हुआ वो मॉनसून सेशन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जनता टीवी सभी कोरोना संक्रमितों की जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता है। मॉनसून सेशन के लिए सदन में कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम होंगे। सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंस तक हर चीज का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा कांग्रेस ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में आस्था जताई है। विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ। इस मीटिंग में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा मौजूद थी। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में बड़ा फैसला, सोनिया गांधी के नेतृत्व में जताई आस्था। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में आस्था जताई है, जिसके लिए बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा भी मौजूद थी। बैठक के बाद जनता टीवी से खास बातचीत में हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस एक है और सोनिया गांधी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप कांग्रेस के जो अध्यक्ष का मामला है, उस मामले को कैसे देखते हो? कांग्रेस एक है, अभी विधानमंडल में प्रस्ताव पास किया, सोनिया गांधी जी दोबारा अध्यक्ष बनी है, उनका धन्यवाद किया है। कांग्रेस सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेता है, कांग्रेस एक है, उनकी उसमें क्या झगड़ा है? दरअसल कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी में बड़े बदलाव करने के लिए पत्र लिखा था, जिसमें हुड्डा के भी हस्ताक्षर थे और कांग्रेस का पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की गई थी। इसी को लेकर पार्टी नेताओं के बीच मचे घमासान के बीच विधायक दल की बैठक भी अहम मानी जा रही थी और इसमें विधायकों से राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया जाना था। हुआ भी ठीक वैसे ही। कांग्रेस नेतृत्व पर हुड्डा के रुख को लेकर प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने भी हैरानी जताई, वो भी सुनिए। जिस तरीके से कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर जिस तरीके से मतभेद सामने आए, 23 जो नेताओं ने पत्र लिखा, हरियाणा के जो नेता विपक्ष हैं और आपकी पार्टी के कांग्रेस के विधायक दल के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके भी हस्ताक्षर उस लेटर पे थे। मजबूत नेतृत्व या फिर नेतृत्व परिवर्तन, तमाम बातें उस लेटर में की गई। आपने उस लेटर से हैरानी जताई, ऐसा क्यों हुआ? ये सभी को हैरानी हुई है कांग्रेस पार्टी में कि इस तरह चिट्ठी लिखना उचित नहीं था और उसकी टाइमिंग जो लीक करने की थी वो तो बिल्कुल ही उचित नहीं थी। जब माननीय सोनिया जी को आप चिट्ठी लिख चुके थे तो फिर वो लीक क्यों हुई और कैसे हुई? बहरहाल अभी भी कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष तो नहीं मिला है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने जरूर सोनिया के नेतृत्व पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी 7 घंटे चली, फिर भी कुछ निकल नहीं पाया। फैसला वही हुआ जो पहले से था, यानी सिर्फ बैठक नई थी और फैसला पुराना। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। और बीच इसी मसले से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। नेतृत्व परिवर्तन पर कुमारी सैलजा का एक बहुत बड़ा और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है।
तरीके से कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर जिस तरीके से मतभेद सामने आए, 23 जो नेताओं ने पत्र लिखा, हरियाणा के जो नेता विपक्ष हैं और आपकी पार्टी के कांग्रेस के विधायक दल के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके भी हस्ताक्षर उस लेटर पे थे। मजबूत नेतृत्व या फिर नेतृत्व परिवर्तन, तमाम बातें उस लेटर में की गई, आपने उस लेटर से हैरानी जताई, ऐसा क्यों हुआ? ये सभी को हैरानी हुई है कांग्रेस पार्टी में कि इस तरह चिट्ठी लिखना उचित नहीं था और उसकी टाइमिंग जो लीक करने की थी वो तो बिल्कुल ही उचित नहीं थी। जब माननीय सोनिया जी को आप चिट्ठी लिख चुके थे तो फिर वो लीक क्यों हुई और कैसे हुई? और फिर जब सोनिया जी खुद मान गई हैं, हमारी अध्यक्षा मान गई हैं कि ठीक है हम CWC बुला रहे हैं, तो उसके एकदम पहले ये चिट्ठी का लीक होना और जिस तरह से पब्लिक डोमेन में इसके बारे में बातें आई हैं, तो ये कांग्रेस को कमज़ोर करने की एक जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, तो ऐसे लगता है कि उनके हाथों में खेल गए हैं ये किसी ना किसी कारण। इस बयान के अगर आप मायने समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत गहरी बात यहाँ पर कुमारी शैलजा बोलती हुई नजर आई, वो ये कह रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल गए वो लोग जो 23 लोग ये हैं, और जिस तरीके से ये चिट्ठी लीक हुई है जिसका जिक्र राहुल गांधी, ये सोर्सेज के हवाले से खबर आई थी, बाद में खंडन कर दिया गया कि ऐसी कोई बात राहुल गांधी की तरफ से नहीं कही गई है, लेकिन उसका एक हिंट, एक जिस्ट, एक इशारा कुमारी शैलजा की तरफ से होता हुआ यहाँ नजर आया। खैर, इधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के अंदरूनी मामले पर चुप्पी साध रखी है, वो फिलहाल कोई बयान नहीं देना चाहते। दो बार हुड्डा से सवाल किया गया लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पार्टी की अंदरूनी मामले पर हुड्डा की चुप्पी, बैक टू बैक दो बार सवाल, हुड्डा फिर भी शांत। हुड्डा की चुप्पी के कितने मायने? पार्टी के अंदरूनी मामले को होता है, मैं उसमें कमेंट नहीं करता। मेरे कारण मैं उसमें कमेंट नहीं करता, पार्टी का काम है। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पार्टी के अंदरूनी मामले पर सवाल किया गया तो पहली बार चुप्पी साध ली और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो पार्टी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पार्टी के अंदरूनी मामले को होता है, मैं उसमें कमेंट नहीं करता। इसके अलावा कुछ ही सेकंड्स में हुड्डा से फिर पार्टी की बात को लेकर सवाल किया गया तो हुड्डा ने फिर से वही बात दोहराई कि वो अंदरूनी मामले पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते। दो बार सवाल और दोनों ही बार हुड्डा की चुप्पी। सवाल इतना मुश्किल भी नहीं था और नेताओं के लिए तो खास तौर पर सवाल मुश्किल नहीं लगते क्योंकि उनका तो सामना ही सवालों से होता रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हुड्डा ने अपनी ही पार्टी से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया और बचते नजर आए। लेकिन राजनीति के तौर पर देखा जाए तो इस चुप्पी के भी काफी मायने हैं जो आप बेहतर तरीके से शायद समझ भी रहे होंगे। खैर, इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए और चुप्पी साधते हुए कहा कि फिलहाल बस पार्टी को जिला स्तर पर मजबूत करना ही लक्ष्य है। कौन सा मजबूत करना चाहिए? कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, हर स्तर पे कांग्रेस को मजबूती लाना चाहिए। इसके अलावा संगठन मजबूती को लेकर हुड्डा ने यह भी कहा कि फिलहाल नजर सिर्फ बड़ौदा उपचुनाव पर है। तो बड़ौदा का चुनाव आ रहा है भाई, बड़ौदा का चुनाव लड़ेंगे सब मिलकर। यानी हुड्डा के बयान के आधार पर अगर यूं कहें कि बड़ौदा उपचुनाव से पहले कांग्रेस को प्रदेश कार्यकारिणी का गठन मुश्किल लगता है तो शायद गलत नहीं होगा। हालांकि कार्यकारिणी का गठन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को करना है, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि जल्द ही कांग्रेस की जिला स्तरीय टीम तैयार कर दी जाएगी।
अब गौर करने वाली बात ये भी है कि एक तरफ पर बात पार्टी को जिला स्तर पर मजबूती की होती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान पर पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है, लेकिन हुड्डा उस प्रदर्शन से दूरी बना लेते हैं, जिस पर सैलजा ने भी कोरोना का हवाला देकर मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन इतना तो जग जाहिर है कि कांग्रेस में मतभेद या मनमुटाव कोई नई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर फिर से तंज कसा है। उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि टिड्डी दल पहले सिर्फ राज्य में था लेकिन अब दिल्ली पहुंच गया है। तो वही नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने भी पलटवार कर कहा कि वो अपनी पार्टी पर पहले ध्यान दे। कांग्रेस पर डिप्टी सीएम का प्रहार। दुष्यंत चौटाला का टिड्डी दल कौन? राज्य के बाद केंद्र में टिड्डी दल। हम बोलेंगे मन से मगर इशारों में कहेंगे, ये शब्द राजनेताओं पर फिट बैठते हैं क्योंकि वो अपनी बात कह भी देते हैं, विपक्षियों तक पहुंचा भी देते हैं, मगर सिर्फ शब्दों के बाण से, यानी कि इशारों ही इशारों में राजनेताओं के वार भी होते हैं और पलटवार भी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से कांग्रेस की तुलना टिड्डी दल से की है। तो कई दिन पहले भी कहा था टिड्डी अटैक के ऊपर, और मुझे लगता है प्रदेशों में हो रहा था, अब केंद्र में भी होने लग गया। दूसरी बार टिड्डी दल से कांग्रेस की तुलना। कांग्रेस में मनमुटाव पर दुष्यंत का कटाक्ष। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के बीच में हुए बवाल की स्थिति को देखते हुए दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि टिड्डी दल पहले सिर्फ राज्य में था लेकिन अब केंद्र में भी पहुंच गया है। एक बार जरा दुष्यंत चौटाला का 13 अगस्त वाला वो बयान भी सुन लीजिए जो उन्होंने हरियाणा कांग्रेस को लेकर दिया था। मुझे लगता है ये धीरे धीरे हरियाणा की ओर आ रहा है। मेरे ख्याल से शुरुआत तो ये मध्य प्रदेश से हुई, अब राजस्थान, और जैसे टिड्डी हरियाणा में आया, अगर कांग्रेस में भी ऐसा कुछ आ जाता है हरियाणा में, तो फिर आप यहाँ भी कई भागते देखो। हालांकि दूसरी तरफ जनता टीवी के साथ खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो पहले अपनी पार्टी देखें, कांग्रेस एक है। आज उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पहले मैंने सोचा था हरियाणा कांग्रेस में ही टिड्डी दल है, अब तो केंद्र के कांग्रेस में भी टिड्डी दल नजर आ रहा है। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित सवाल था, सर आप बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सर आप कांग्रेस के जो अध्यक्ष का मामला है उस मामले को कैसे देखते हैं, और दुष्यंत चौटाला के इस बयान को कैसे देखते हैं जो एक छोटा बयान जिसे एक है अभी विधानमंडल में प्रस्ताव पास किया, सोनिया गांधी जी दोबारा अध्यक्ष बनी है, उनका धन्यवाद किया है कांग्रेस। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेता है कांग्रेस एक है, उनकी उसमें क्या झगड़ा है, बल्कि इनकी दल में है कुछ, राम कुमार जी कुछ बोलते हैं, कोई विधायक कुछ बोलता, अपना देखें तो दूसरी बात करें, कांग्रेस एक है। वार पलटवार का दौर और सियासत में नेताओं के बयानों का शोर 12 महीने चलते रहता है। एक तरफ से बयान आया तो दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि वार प्रहार में कोई भी नेता एक दूसरे से पीछे नहीं दिखते। यहां पर भी जैसे ही दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर वार किया तो दूसरी तरफ से हुड्डा ने भी हंसकर तंज कसा और कहा कि पहले अपनी पार्टी पर ध्यान दें। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जेपी दलाल ने दावा किया है कि पहली बार इस हलके में बीजेपी का विधायक होगा और जनता सरकार के साथ हिस्सेदारी कर विकास कराएगी। इसके अलावा ओपी धनखड़ ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी के लिए अवसर है तो विपक्षी दलों के लिए चुनौती। बिना उम्मीदवार विधायक तय। बीजेपी आएगी विकास कराएगी।
में जीत के दावों का दौरा। बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा और किसका होगा ये तय हो या ना, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता बार बार इतना जरूर तय कर रहे हैं कि बड़ौदा में बीजेपी का विधायक बनेगा, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जनता सरकार के साथ हिस्सेदारी करके हलके का विकास कराएगी। दरअसल ये दावा किया है बड़ौदा से बीजेपी के उपचुनाव प्रभारी जेपी दलाल ने। जब वो बड़ौदा पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस हलके में पहली बार बीजेपी का विधायक होगा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में समन्वय करने की है और विस्तारक है, सोनीपत जिले के कार्यकर्ता हैं और सभी से फीडबैक भी लिया है और उनको धीरे धीरे करके जिम्मेदारियां देंगे और बड़ौदा हल्के का जो एक हमें मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी का पहली बार कमल खिलाने का, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और सुनिश्चित करने के लिए सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं कि बड़ौदा की सीट जो है पहली बार कमल के निशान पर जीते, भारतीय जनता पार्टी का विधायक सरकार में हिस्सेदारी करके बड़ौदा का विकास कराए। ये है दावे, न उम्मीदवार का पता और न ये पता कि बीजेपी का प्रत्याशी होगा या जेजेपी का, लेकिन इतना जरूर पता है कि विधायक बीजेपी का होगा। अब इससे प्रत्याशी को लेकर संकेत भी नजर आ रहे हैं जो आप भी बखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि बिना विधानसभा का चुनाव लड़े विधायक नहीं बना जा सकता। अब और देखिए, क्योंकि जेपी दलाल के मुताबिक सीएम मनोहर लाल भी ये कह चुके हैं कि जब तक बड़ौदा में विधायक नहीं बनता तब तक वो खुद बड़ौदा का विधायक बनकर काम करेंगे और विकास कार्य करवाएंगे। और मुख्यमंत्री जी तो यहाँ तक कहा था कि जब तक विधायक नहीं बनता यहाँ का बड़ौदा का विधायक बनकर मैं काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी का पहली बार जो है लोग एमएलए बना के देखेंगे, विकास की उनके अंदर ललक है, विकास की चाह है और उनको पता है कि स्थिर सरकार के अंदर हिस्सेदारी करके वो अपने इलाके का विकास। यह एक बहुत बड़ा बयान, और इसी बड़े बयान के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।